पहाड़ में बघवाल दिवाली के ठीक 11 दिन बाद इगास मनाने की परंपरा है। दरअसल ज्योति पर्व दीपावली का उत्सव इसी दिन प्रकाष्ठा में पहुंचा था। इसके लिए पर्वों की इस श्रृंखला को इगास बघवाल नाम दिया गया, लेकिन इस बार ये पर्व आम जनता के साथ साथ आगामी चुनावों के चलते बीजेपी के लिए भी काफी खास है और बीजेपी इसे खूब तवज्जो दे रखी है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में इगास धूमधाम से मनाया जाता है और इसी इगास पर्व से पहाड़ों का इतिहास भी झलकता है। ऐसे में इस बार भी इगास की धूम रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देर रात रिंग रोड लाडपुर में आयोजित राज्य के लोक पर्व इगास बघवाल यानी कि बूढ़ी दिवाली कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी को इगास की बधाई देते हुए कहा कि हमारी लोक परंपरा देवभूमि की संस्कृति की पहचान है। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य की लोक संस्कृति एवं लोक परंपरा उस राज्य की आत्मा होती है। इसमें इगास का पर्व भी शामिल है। उन्होंने कहा कि हम राज्य की लोक संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए संकल्पबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि अपनी लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हम प्रयासरत हैं। हमारी युवा पीढ़ी अपनी लोक संस्कृति एवं लोक पर्वों से जुड़े इसके भी प्रयास होने चाहिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य में इगास पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। इगास पर्व को लेकर उत्तराखंड वासियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में देहरादून के रायपुर विधानसभा क्षेत्र में इगास पर्व को लेकर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य रूप से बूढ़ी दिवाली के रूप में बनाए जाने वाले इगास पर्व पर पहली बार बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। रायपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक उमेश शर्मा काऊ ने इस कार्यक्रम का आयोजन कराया। इगास पर्व पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, हरक सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री और विधायक समेत हजारों की संख्या में आम जनता मौजूद रहे। परंपरा को याद करने तक के लिए भी नहीं है, इससे आगे का है। इस उत्तराखंड को बनाने का जो सार्थकता है उसके लिए एक अभियान की शुरुआत है। हम लोग इगास बनाए, अपने गांव की ओर जाएं, गांव को आबाद करें, इससे पूरे उत्तराखंड की सारी समस्याओं का समापन होना है। गौर हो कि पहली बार राज्य सरकार ने इगास पर आज के अवकाश घोषित किया है, जिसके तहत 15 नवंबर को अवकाश रहा। आगामी विधानसभा चुनाव में भी कुछ महीने का ही समय बाकी है। ऐसे में चुनाव से पहले इगास पर्व पर राजकीय अवकाश घोषित करना और भव्य कार्यक्रम आयोजित करना चुनावी स्टंट के रूप में भी देखा जा रहा है। बहरहाल आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका कितना फायदा मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आगामी चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां दमखम से तैयारियों में जुटी है और जनता को लुभाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। राव शफात अली, देहरादून, खबरें अभी तक।